हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन वाला चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। समझ क्यों लिया होगा? क्योंकि हमें एक्चुअल में वो समझना भी है, और जब समझ लिया है तो हमें इसकी आंसर राइटिंग भी करनी है। चलो फटाफट से बता दो कि उस चैप्टर में क्या था। हमने वहां देखा था डाइवर्सिटीज तो है हमारे इंडिया में, उसके साथ में हमारे पास में हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि हम किस तरीके से यूनाइटेड है इतनी सारी डाइवर्सिटीज के बाद में भी। ठीक है, इंडिया जो है वो रिच हेरिटेज है डाइवर्सिटीज में, और उसके बाद में हम किस तरीके से इतने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, कास्ट, इन सबके बाद में भी हमारे बीच में एक यूनिटी बंधी हुई है। लेकिन इसके साथ में भी हमारे बीच में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन भी है। ठीक है, और ये डिस्क्रिमिनेशन हमने इस चैप्टर में पढ़े थे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। तो उम्मीद तो यही है कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ के आए होंगे, ताकि आज जो है फटाफट हम सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख ले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ वे दैट चैलेंजेस स्टेरोटाइप्स। अब स्टेरोटाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में सरप्राइज ये है कि पूरा चैप्टर जो है वो आपको ही सॉल्व करना है। हालांकि सॉल्यूशन मैं लास्ट में देकर के जा रही हूँ, एक सेकेंड। तो सॉल्यूशन तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आप ही को सॉल्व करना है। ओके, तो स्टेरोटाइप क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं, माइंडसेट होता है जो एक्चुअली में वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग में वो मेंटेलिटी सेट कर लेते हैं कुछ चीजों के लिए। ठीक है, मतलब वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन उसके बाद में हम उसके लिए क्या करते हैं, वो मेंटेलिटी हमारे पास में सेट होती है कि नहीं ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो इस टाइप की चीजों को ही हम क्या कहते हैं, स्टेरोटाइप्स कहते हैं। ओके, तो ये जो आपके पास में मैच द कॉलम है, ये आपको खुद को लगाना है। 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट सेट कीजिए, और नहीं कर सकते तो आप जब वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर पॉज करेंगे, पूरा सेट करेंगे, एंड देन सॉल्यूशन आपके पास में है। तो अपने आप को चेक जरूर करना है कि आप सही है या गलत है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाउ कैन द स्टेरोटाइप दैट गर्ल्स एरिया बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। इमेजिन द सिचुएशन एंड लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट दीज स्टेरोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर्स गेट ट्रीटेड इन द हाउस। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आज की डेट में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, बट हाँ रियलिटी है, जब हम अपने एंशंट टाइम में देखा करते थे तो एक टाइम ऐसा था कि गर्ल्स की उतनी ही इक्वल क्या कहते हैं सेम वैल्यू थी। ठीक है, जैसे कि बॉय को ट्रीट किया जाता है वैसे ही गर्ल्स को किया जाता था। लेकिन फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि गर्ल्स को बर्डन समझा जाने लगा। ठीक है, और ये स्टेरोटाइप एक्चुअली हमारी सोसाइटी में है, हर जगह नहीं है या आपके घर में नहीं होगा, बट बहुत सारे एरिया में आपको ये देखने को मिलता है। तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद देना चाहेंगे? ठीक है, जो चीजें हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। और एक्चुअली में ये वाला जो स्टेरोटाइप है ये हमारे इंडिया में है, हमारी सोसाइटी में है एक्चुअली। ठीक है, हालांकि हम मानते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, बट हम उनको इक्वालिटी नहीं देते हैं। कई सोसाइटीज ऐसी होती है जहां पर लड़कियों को क्या बर्डन समझा जाता है, उनकी फैमिली हमेशा ही उनको बर्डन समझती है, और ये जो फीलिंग होती है ना, मतलब बर्डन ऑन देयर फैमिली, दिस गिव्स फीलिंग ऑफ इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन दैम। मतलब एक डर जो होता है ना वो बना दिया जाता है, जो लड़कियां होती है वो हमेशा इस डर में ही जीती है। और इस टाइप के इफेक्ट जो है हम बहुत अलग अलग एरिया में देख सकते हैं। द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंकिंग्स आर, देखो गर्ल्स को कभी भी इम्प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। ठीक है, दे सॉरी गर्ल्स को कभी भी प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। ठीक है, दे गेट ऑलवेज इम्प्रॉपर डाइट, हमेशा उनको इम्प्रॉपर डाइट ही मिलती है। और क्योंकि कई जगह ऐसा होता है ना कि दादी नानी जो होती है यहाँ पर, ये थोड़ा गेम खेल लेती है कि भाई जो हमारा नाती है, पोता है, उसे ज्यादा चीज रिक्वायरमेंट है, मतलब खाने पीने की, ये वो। तो गर्ल्स को इस तरीके से हमेशा अवॉइड कर दिया जाता है। अगर कोई स्पेशल चीज है खाने वाली तो वो लड़की से पहले हमेशा लड़के को पूछी जाती है कि नहीं पहले आप खाओ, आपका हक पहले बनता है, बच्चा है तो फिर बहन देख लेगी। दे आर नॉट बींग सेंट टू स्कूल फॉर स्टडी। कई लड़की, कई जगह ऐसा होता है हमारी, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहां पर हम ये चीज नहीं देखते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, बिल्कुल भेजा जाता है। लेकिन कई ऐसे पार्ट है इंडिया में जहां पर लड़कियों को आज भी स्कूल नहीं भेजा जाता है। और
मैंने एक जगह ऐसा देखा है कि वहां पर ये भी रीजन माना जाता है कि अगर लड़की बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई है तो उनके लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, ठीक है। दे हैव टू रिमेन इन हाउस एंड डू ओनली हाउस होल्ड वर्क, उन्हें घर में ही रहना है और उन्हें घर के ही काम फिनिश करने हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट और टू एंजॉय विद फ्रेंड्स, उनको अपनी फ्रेंड्स के साथ में चिल करने के लिए भी बाहर नहीं भेजा जाता है जैसे कि लड़कों को भेजा जाता है ना। लेट नाइट एंट्री भी घर में अलाउड है कि आप लेट भी आ सकते हो, लेकिन लड़की 6 के बाद में भी बाहर कदम नहीं रख सकती। दे डोंट गेट प्रॉपर लव एंड केयर फ्रॉम फैमिली, वो अपने फैमिली से प्रॉपर लव और केयर भी नहीं ले पाती है, ठीक है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारी इक्वालिटी के लिए बहुत सारे प्रोविजन डाले गए हैं और ये हम चैप्टर में समझ चुके हैं, ठीक है। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी? व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मतलब चीजें इक्वालिटी के लिए लाई गई है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल? क्यों इम्पोर्टेंट है कि सारे लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाए? भाई जब आप एक जगह पर रह रहे हो, ठीक है, आप में भी, आप भी लिविंग थिंग हो और मैं भी हूँ, तो क्यों नहीं हमें इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। आप उस सोसाइटी का पार्ट हो, मैं भी उसी सोसाइटी का पार्ट हूँ, तो हम लोगों को इक्वली चीजें तो मिलना डिजर्व करता ही करता है। हाँ, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें जो है वो इक्वालिटी के लिए लाई गई है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी के लिए इक्वल काइंड ऑफ वर्क आएगा, ठीक है। ऑल आर इक्वल इन चूजिंग द काइंड ऑफ वर्क, जिसको जो काम करना है वो चूज कर सकता है। ऑल आर इक्वल टू कम्पीट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं, उसके लिए अपने आप को क्या कहना चाहिए, मतलब उस पोस्ट के लिए वो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कंपटीशन कर सकते हैं, उस एग्जाम में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे इसमें सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा था और वो क्या था, अनटचेबिलिटी का, ठीक है। कई विलेजेस में ऐसा हुआ करता था कि उन लोगों को घर के बाहर मतलब गांव के बाहर जो है रखा जाता था। जब वो गांव में एंटर कर रहे हैं तो उनके आने से पहले ना चिल्लाया जाता था या उन्हें पत्थर मार के फेंका जाता था, ठीक है। हमने इस चैप्टर में इसमें पढ़ा है। तो जो अनटचेबिलिटी थी उसको एज अ क्राइम बता दिया गया और उसको लीगली खत्म भी कर दिया गया, ठीक है। और जो कि सबसे बड़ी बात है, एवरीवन हैज टू इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू बी इक्वल एज दीज गिव्स फ्रीडम टू स्पीक देयर लैंग्वेज, टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, एक्सप्रेस देम फ्रीली। हर एक इंसान को उसकी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और ये उसका राइट right है एक्चुअल में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि हर एक इंसान को उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, उसका लैंग्वेज बोलने की फ्रीडम होती है, उसके जो फेस्टिवल्स होते हैं उसे सेलिब्रेट करने की छूट होनी चाहिए, और सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, इसको तो आप ही को सॉल्व करना है, ठीक है। ये इस टाइप के कंडीशन बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। समटाइम्स पीपल मेक प्रिजुडाइज कमेंट्स इन आवर प्रेजेंस, वी आर ऑफ्टन नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू से समथिंग राइट देम एंड देयर डिवाइड इन टू डिवाइड द क्लास इन टू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप डिस्कस वॉट दे कुड डू इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बाकी सारी चीजें जो है वो आपको खुद को करनी है, क्योंकि ये जो कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है तो उसके हिसाब से अपने आप को मेंटली सेट करें कि इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं और सामने वाले को क्या रिप्लाई कर सकते हैं और ये किस तरीके से सभी के लिए इक्वालिटीज होनी चाहिए। अ फ्रेंड बिगिंस टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर, एक फ्रेंड है आपका, वो क्या करता है अपने एक फ्रेंड को टीज करना शुरू कर देता है क्लासमेट को, क्योंकि वो गरीब है, वो पुअर है। तो क्या ये सही है कि आप उसके इकोनॉमिकली स्टेटस के, उसके फाइनेंशियली स्टेटस के ऊपर किसी को टीज करें? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है ना ये। तो आप अपने वर्ड्स में इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखो, किसी का भी जो बैकग्राउंड होता है उसकी तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और हमें किसी के फाइनेंशियली बैकग्राउंड के ऊपर तो हम उसको ब्लेम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारे जितने भी थे वो आपको अपने हिसाब से, अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से उसको सेट करके आंसर करना है, और बाद में जब आप अपने आंसर्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले तो देन आप इसका सोल्यूशन जरूर देखें, ठीक है, कि हमारा जो मेंटली पावर है वो कितना ज़्यादा हम ब्रॉड सोच सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़
डायरेक्ट कॉपी ना करिए, मतलब जो आंसर्स हमने एक्सप्लेनेशन में देखे हैं उसको डायरेक्ट कॉपी ना करके एक बार अपने तरफ से कोशिश जरूर करें कि ये आप खुद सॉल्व कर पाए।